हेलो एवरीवन, मेरा नाम इकबाल है और आज मैं आपको फैसिलिटी मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा। बहुत सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि फैसिलिटी मैनेजमेंट के बारे में कुछ वीडियो बनाइए जिससे उन्हें वीडियो इस इंडस्ट्री के बारे में पता चल सके। बहुत सारे लोग जो इंडिया, पाकिस्तान, ये सब कंट्री के लोग हैं, उनको फैसिलिटी मैनेजमेंट के बारे में उतना आइडिया है नहीं। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ फैसिलिटी मैनेजमेंट होता क्या है, इसमें कैसे आ सकते हैं, इसमें क्या काम करना पड़ता है, कौन कौन सी कंपनी जो मेजर है इसमें काम करती है, किस कंट्री में फैसिलिटी मैनेजमेंट ज़्यादा पॉपुलर है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं फैसिलिटी मैनेजमेंट होता क्या है। हम सब लोग जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन एक इंडस्ट्री है जो जिसमें बिल्डिंग, नई बिल्डिंग्स बनती है और जो भी उसमें MEP का काम होता है, फायर फाइटिंग का काम होता है। तो फैसिलिटी मैनेजमेंट भी वैसे ही एक इंडस्ट्री है। इसमें जो काम होता है, इसमें बेसिकली एक फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी होती है जिनको बिल्डिंग्स के AMC कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, और उनको उस बिल्डिंग को मेंटेन करना पड़ता है। सारे MEP सिस्टम्स और भी कुछ, जैसे स्कोप ऑफ वर्क होगा आपका एज पर कॉन्ट्रैक्ट, वैसे आपको मेंटेन करना पड़ेगा। नॉर्मली MEP मेंटेनेंस होता है। तो जो फैसिलिटी मैनेजमेंट होती है, कंपनी होती है, वो इंजीनियर या सुपरवाइज़र हायर करती हैं। ये जो इंजीनियर होते हैं और सुपरवाइज़र, उनको एक टीम होता है बेसिकली, और वो उस टीम को लेकर उस बिल्डिंग को मेंटेन करते हैं एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट। तो अभी जैसे मैं दुबई में काम करता हूँ, यहाँ हाई राइज बिल्डिंग होते हैं, नॉर्मली एवरी डे इसको मेंटेनेंस चाहिए। अगर आप 10 दिन मेंटेन ना करो तो बिल्डिंग की सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाती है। तो अभी मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पर, मेरा क्या है, मेरा जैसे हम लोगों के पास IFM कॉन्ट्रैक्ट है, तो IFM मतलब होता है इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट। तो इसमें आपको सब चीज़ आ जाती है, लाइक MEP आ गया, MEP मेंटेनेंस, हाउसकीपिंग, सिक्योरिटी, कॉन्सियर्ज, लाइफ गार्ड, एवरीथिंग। बट नॉर्मली जो फैसिलिटी मैनेजमेंट में होता है, एज ए इंजीनियर या सुपरवाइज़र आपको इंटरव्यू अगर देने जा रहे हैं तो वो आपको MEP के बारे में ज़्यादा पूछेंगे। MEP मतलब मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग। मैकेनिकल में HVAC सिस्टम, HVAC सिस्टम आ जाता है। इलेक्ट्रिकल में सारे इलेक्ट्रिकल एसेट जो बिल्डिंग में होते हैं, DB, MdV, LV, रूम, कैपेसिटर, बैंक, ये सब आ जाता है। और आपको प्लम्बिंग में बूस्टर पंप, ट्रांसफर पंप, सम पंप, ऑल टाइप्स ऑफ पंप, वाल्स एंड एवरीथिंग। तो बेसिकली ये तीन मेन चीज़ है, मेन स्कोप ऑफ वर्क होता है एज ए इंजीनियर या सुपरवाइज़र आपका काम। अब ये फैसिलिटी मैनेजमेंट काम कैसे करता है? तो फैसिलिटी मैनेजमेंट जो कंपनी होती है उनके पास कॉन्ट्रैक्ट आता है क्लाइंट के थ्रू। उनको अपनी बिल्डिंग होती नहीं है, क्लाइंट उनको कॉन्ट्रैक्ट देता है जिसकी, लाइक एक आप समझ लीजिए बिल्डिंग का मालिक, वो ये फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि आपको 3 साल, 4 साल, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, आप इस बिल्डिंग को मेंटेन कीजिए एज पर माई रिक्वायरमेंट। तो वो उस बिल्डिंग को अपने हिसाब से मेंटेनेंस करती है और अपनी टीम वहाँ रखती है, अपने इंजीनियर्स वहाँ रखते हैं, टेक्नीशियन रखते हैं, और उस हिसाब से उसको मेंटेन करते हैं। अब फैसिलिटी मैनेजमेंट में मैं हर चीज़ की वीडियो डिटेल में आपको बताऊंगा, अभी बस एक ब्रीफ देना चाहता हूं कि फैसिलिटी मैनेजमेंट होता क्या है। मोस्टली इंडिया या पाकिस्तान में फैसिलिटी मैनेजमेंट का उतना क्रेज नहीं है, इसलिए बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। बट आप गल्फ कंट्री में आओगे, यूरोप कंट्री में जाओगे, अमेरिका जाओगे, तो वहाँ आपको फैसिलिटी मैनेजमेंट, इवन कैनेडा, आई हैव सीन इन कैनेडा ऑल्सो, लाइक आप वहाँ जाओगे तो भी फैसिलिटी मैनेजमेंट का बहुत क्रेज है। हर एक बिल्डिंग को मेंटेनेंस चाहिए, और एज पर गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट ऑल्सो वहाँ के बिल्डिंग को फैसिलिटी मैनेजमेंट रखना है, लाजिम रखना है कि आपको बिल्डिंग का, इसलिए कि गवर्नमेंट एक अपना रूल बना देती है कि इस हिसाब से बिल्डिंग को मेंटेन करना है आपको, और फैसिलिटी मैनेजमेंट उसको फॉलो करती है। तो अभी जैसे दुबई का मैं आपको बताऊंगा, दुबई में मोस्टली हाई राइज बिल्डिंग है, तो यहाँ बिल्डिंग को उस हिसाब से मेंटेन करना पड़ता है। तो अभी आप जैसे एक फैसिलिटी इंजीनियर हो, आप हायर किए गए फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी के थ्रू, तो आप यहाँ पर आए, आपके पास टीम है, आपके पास PPM प्लान होती है, हर चीज़ का एसेट, जो भी एसेट होता है ना उसका PPM प्लान होता है। नॉर्मली अब बड़ी कंपनीज कंप्यूटर एप्लीकेशन रखती है, मोबाइल एप्लीकेशन, आप उसके थ्रू ट्रैक कर सकते हो। तो अब आपको जानना पड़ेगा कौन सी PPM प्लान कब होता है, फ्रीक्वेंसी क्या है, ये सब, ये सारी चीज़ मैं डिटेल में बताऊँगा। तो अभी फैसिलिटी मैनेजमेंट में आया कैसे जा सकता है? फैसिलिटी मैनेजमेंट में आने के लिए आपको बैचलर होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंजीनियरिंग, मोस्टली इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल को बोलोगे, सिविल को ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं, बट सिविल कैन ऑल्सो कम इन दिस फील्ड। तो जब आप एज ए फैसिलिटी इंजीनियर या सुपरवाइज़र आ गए तो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ
एज ए इंजीनियर या सुपरवाइजर आपको फॉलो अप का ज़्यादा काम है। तो बेसिकली फैसिलिटी मैनेजमेंट यही है कि एक फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी होती है जो कि क्लाइंट उसको हायर करता है, कॉन्ट्रैक्ट देता है, AMC कॉन्ट्रैक्ट, और वो फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी अपने इंजीनियर सुपरवाइजर और टीम को रखती है उस बिल्डिंग में, उस बिल्डिंग को मेंटेन करने के लिए। आगे भी मैं वीडियो बनाऊंगा हर चीज़ के बारे में, लाइक बिल्डिंग में क्या क्या एसेट होते हैं, PPM प्लान क्या होता है, और फिर आपको इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, प्लम्बिंग सबका सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। AMCs क्या होते हैं, किस चीज़ का मेंटेनेंस कब होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कितने महीने पे किसका मेंटेनेंस होना चाहिए, ये सब का वीडियो बनाऊंगा। और जैसे जैसे भी अगर आप लोग कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज आपको चाहिए, जो आपका क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, तो मैं उसका आंसर करूंगा, और उस पर ज़रूरत पड़ी तो मैं वीडियो बनाऊंगा। आप इस वीडियो को पूरा देखें, समझें, और फिर सब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को अगर अच्छी लगे, लाइक करें। आपको मैं आगे भी ऐसे ही हेल्प करता रहूँगा, और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें, आप मुझे सजेस्ट करें, मैं एडवाइस करें, मैं आपको उस हिसाब से जो भी आइडिया आपको दूंगा। आपको इंटरव्यू के बारे में बताऊंगा, कैसे इंटरव्यू दिया जाता है, क्या 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 क्वेश्चंस होते हैं, सारा कुछ मैं क्लियर करूंगा। आप अपना जो भी एडवाइस है प्लीज़ मुझे शेयर करें। मैं एज ए फैसिलिटी इंजीनियर नाउ आई हैव बीन वर्किंग लाइक 5 ईयर इन दुबई, सो ऑलमोस्ट लाइक आई हैव फुल आइडिया हाउ दीज थिंग्स वर्क्स। सो आप अपना जो भी कमेंट है ड्रॉप कर सकते हैं, मैं आपके क्यूरीज को सबको रीड करूंगा, ज़रूरत पड़ी तो उस पर वीडियो बनाऊंगा और आगे आपकी हेल्प करूंगा। थैंक यू सो मच।